प्रदेश के शहरी विकास और खाद्य आपूर्ति मंत्री वंशीधर भगत ने कहा है कि परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में चले जाने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। बागेश्वर आए खाद्य आपूर्ति मंत्री वंशीधर भगत ने कहा कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं से उनकी बात चल रही है, मांग करना उचित है लेकिन लोगों का राशन रोकना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि शहरों में कूड़ा निस्तारण एक समस्या जरूर है लेकिन इसके निदान के लिए सरकार जमीन तलाश रही है। कि आपके कैबिनेट मंत्री छोड़ के कांग्रेस में वापस गए हैं तो क्या कहना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया से? देखिए, इसमें प्रतिक्रिया करने की क्या बात है, उनको आना हुआ तो आ गए, अब चले गए तो चले गए, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, हर एक बूथ पर हमारी कमेटी है और किसी के आने जाने से बहुत फर्क यहाँ इस पार्टी में नहीं पड़ता। हमारे एक सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के अनुसार जो रहेगा वो रहे, जिसको सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा वो जा रहा, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या सर, सरकार की छवि पर इससे असर नहीं पड़ता? कोई असर सरकार की छवि पर नहीं, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि स्वार्थ के कारण लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इनको जनता अपने समय से सबक सिखाएगी। तो क्या उनकी जगह पर कोई नया दलित चेहरा या बागेश्वर से कोई प्रतिनिधित्व की बात चल रही है? अब ये तो नेतृत्व को देखना है किसके जगह से लेंगे। दलित चेहरे हमारे पास बहुत हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम भी हम करेंगे। जी सर, एक सस्ता गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल चल रही लंबे समय से, उसे सस्ता गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल अल्मोड़ा बागेश्वर में मैंने शिकायत सुनी है और मैंने DM साहिबान को ये कहा है कि वो उनसे एक बार ठीक से बात कर लें। ये गरीब के पेट का सवाल है, राशन का सवाल है, प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस समय राशन में कोई दिक्कत नहीं आए, ये सरकार की वचनबद्धता है। जिसको जो कहना है अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन दुकान बंद करने ये ठीक नहीं है। हमने कह दिया है कि इनसे बात कर लो, जो बात मान लेते हैं ठीक है, नहीं तो नोटिस जारी करो। कूड़ा निस्तारण की समस्या बड़ी है, जगह की, अब जगह की तलाश कर रहे हैं, जगह तलाश होती है तो फिर उसके बाद कार्रवाई करें। एक सवाल, एक सफाई कर्मचारी भी लंबे समय से आंदोलन में है, जरा वो फिर शुरू करने वाले हैं, आपने आश्वासन दिया था। सफाई कर्मचारियों के साथ मैंने बात की और मैंने मुख्यमंत्री से भी बात कराई है, अब उनका कहना है एकदम लागू करो। नियम को लागू करने में थोड़ा समय लगता है, जो बातें उनकी थी वो जो उन्होंने समझ ली मान ली उन बातों को हम कर रहे हैं। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।